नल दोबारा पता न कौन तोड़ दिया। हम लोग के साथ ऐसा क्यों रहा मम्मी? बच्चों क्या बताऊँ, एक बार तो मैं क्या कर रही है अभी देखिएगा गाइस कैसे भाई बताएंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हे गाइज गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी शाम के 6 बज रहे हैं, कल भी 6 बजे ये ब्लॉग स्टार्ट किया था। और गाइज थोड़ा वो तो भी शेड्यूल चेंज हो चुका है क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ। और गाइज सबसे अच्छी बात ये बताता है, जो कि भाभी का चैनल हैक हुआ था, जो 3 मिलियन वाला चैनल हैक हुआ था, बाकी गाइज वापस आ चुका है, रिकवर हो चुका है। एंड गाइज अभी मैं तैयारी वगैरह बना चुका हूँ और अभी निकल रहा हूँ घर के लिए। बोले में कपड़ा वगैरह रख देते हैं, गाइज बैग नहीं है, बैग एक लेंगे। गाइज मैं आप लोग को बताता, 2-3 दिन 4 दिन जब इंसान रह जाता है तो एक दिल लग जाता है, तो थोड़ा बहुत कष्ट होता है। बाकी गाइज निकल रहे हैं और आप लोग प्यार दुलार बनाइए। और गाइज यहाँ पे हैं भैया जी, तो गाइज देखिए भैया जी से मिल लीजिए। तो गाइज यहाँ पे रहे भैया जी, प्रणाम भैया। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं गाइज। बोलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा तो गाइज भैया फोन वगैरह चला रहे हैं। एंड गाइज यहाँ पर मिलिए, अब तो जाने वाले हैं भाई साहब, क्या बताएं, क्या ही बताएं आप लोग को। और यहाँ पे हमारी प्यारी सी बेटी, तो गाइस सबसे पहले भाभी को प्रणाम कर लेते हैं। आप लोग जैसे हमारा सपोर्ट कर रही है, वैसे मतलब एक बार सपोर्ट करा लोग, 1 लाख सब्सक्राइबर वा करा दे लोग, 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए तो कुछ बिगड़ ना जाए आप लोग। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, भाभी जी काट रही हैं आम। और इस आम के सीजन में गाइज ऐसे आम लीजिए और नमक लगाइए, ऐसे खा जाइए। बट अभी मैं खाऊंगा नहीं क्योंकि थोड़ा बहुत परेशानी चल रहा पेट में, आप लोग जानते हैं थोड़ा सा। अभी गाइज जल्दी आना, हमको एक्सरा वगैरह कराएंगे, अभी कुछ करा नहीं पाए क्योंकि कुछ प्लानिंग कैंसिल हो गया है। तो आएंगे, चेकअप वेकअप कराएंगे। लोग तो समझ ही गए होंगे हम बोलना क्या चाहते हैं। ये दीपू को बोल रहे हैं कि सुबह को जाना, लेकिन दीपू है कि मान नहीं रहा है। भाई साहब ऐसा जाऊंगी, मेरी बीवी से झगड़ा हुआ है। जाऊंगी मैं, लड़की थोड़ी हूँ यार। मतलब समझने वाले तो समझ ही गए होंगे। तो गाइस ऐसा बात ये बोल रहा है कि मेरी बीवी से झगड़ा हुआ है, अभी रात को नहीं जाऊंगी तो फिर झगड़ा करेगी। जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। तो चलते हैं भाई, रास्ते का थोड़ा बहुत व्यू दिखाते हैं, जाते जाते तो रात हो जाएगा। चलो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। क्या शादी किधर होगा बताइएगा? शादी वाला वो परेशान है, उसमें क्या वो रहता था क्या? कुछ नहीं ना भैया, ऐसे हम लोग करते थे। हम लोग का शादी कैसे होगा क्या, एकदम मजा। तो भाई साहब अपने गाड़ी के पास चलते हैं, इधर हमारा प्यारा सा बाइक भाई साहब, और इसमें टांग देते हैं इसको मजबूत करके। तो गाइज अभी शाम होते जा रहा है, फाइनली निकलते हैं, जल्दी जल्दी निकलना गाइज, आराम से जाना होगा क्योंकि दूर भी काफी है, 100 किलोमीटर तक का सफर करना होगा। सो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी मैं घर पे आ चुका हूँ। मैं रात में महाराजगंज रुक गया था अपने जिले पे, क्योंकि गाइज रात में एक जगह एक्सीडेंट देख लिए थे तो बहुत डर हो गया था। और आप लोग जानते हैं कि गोरखपुर बहुत ज्यादा दूर है हमारे घर से, तो आने में टाइम लग जाता है। यानी गाइज एक खुशखबरी आप लोग से बता दें, हमारे आते हुए यहाँ पे देख सकते हैं तो भैया लोग, इधर देखिए हमारी मम्मी जी का क्या हाल है। सबसे पहले माता जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। और देखिए छोटू ये कपड़ा मेरा गंदा कर दिया। खुश रहा बेटा, खूब सुखी रहा। बच्चों गुड मॉर्निंग, बच्चों आप लोग कैसे हैं? आपको दीपू भाई तो घर पर नहीं है, आप लोग तो जानते होंगे कि गोरखपुर चले गए तो वीडियो कैसे बनेगा। आप लोग के याद हम तो हरदम करती हैं। और जानती हैं भाभी का तो चैनल हैक हो गया था, कहीं अपना भी ना हो जाए, कैसे वो हैकर लोग हैक कर लेते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों लोग नहीं करते हैं, वो लोग हैकर लोग करता है ना, हैकर लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गाइस जब देखिए मम्मी जी हैकर लोग से बोल रही है, हैकर जी थोड़ी सुनते होंगे। बच्चों हम तो गोरखपुरिया भौजी का दास्तान सुनकर बड़ा अपने कपार पर सर रख दिए हैं। और गाइस ये देखिए कितना हरा हरा भाई साहब, भैंस लोग खाती है। हैकर लोग के बाबू ऐसा नहीं करना चाहिए। हैकर तो देखे हो तुम? हाँ। हैकर देखिए दादी जी, देखो कि झूठ बोल रही है। हम तो जानती नहीं है किसका हैकर कहा जाता है, जो लोग हैक कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। और गाइज आते ही छोटू का कान देखिए। भाई साहब अभी मैं पानी चला रहा हूँ और भाभी जी सत्यम को नहा रही हैं। देखिए कितने बच्चों को बहुत साफ रखती है नहीं मम्मी भाभी। बच्चों
बच्चों, ये तो आपके भाभी जी बच्चों को अपना देह बहुत फ्रेश रखती है, बहुत साफ सुथरा रहती। भाभी तो आप लोग के भाभी तो बहुत गुस्से में है, बोल नहीं रही है, बहुत गुस्से में है। हेलमेट लगा के तो गाइस हमारे दादाजी आ चुके हैं। बहुत दिनों से आप लोग दादाजी से नहीं मिले थे, तो दादाजी को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। खुश रहो बाबू, खुश रहो बाबू। तो आप लोग से कई दिन के बाद मिल रहे हैं। और दादाजी आज हमारे सुनाने वाले कोई सा गाना, कोई खूब सुंदर गाना सुने दादाजी। तो सब लोग बोलते हैं दादाजी का गाना बहुत अच्छा लगता है, सुनाइए। प्यार के तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार के तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, जिनके सहारे मैंने पालिए, जिनका और क्या चाहिए। तो गाइस दादाजी एक से एक गाना गाते हैं, पहले रेडियो वगैरह रखे थे नहीं दादाजी, बहुत पहले रेडियो में सुनते थे। चार पांच रेडियो बजा बजाए हर हर कर दिया। कहाँ कपड़ा लेकर जा रही हैं? वो जो कपड़ा रुचि फारी है तो मैं सोच रही हूँ इसके मैं सिला दूँ। नया नया कपड़ा भाभी जी को सिलाने जा रहा है। गाइस अभी भाभी जी का काम देखिए, यहाँ पे मिट्टी ला दी है और घर टूट रहा, तो गाइस अभी जा रही है घर को लिपाई करने अच्छे तरीके से। और यहाँ पे देखिए मम्मी जी नहीं है तो अकेले इतना सारा चावल बिन रही हैं। तो भाई साहब अभी का सीन ऐसा है कि मम्मी जी खेत चली गई हैं और जानते हैं हम लोग काम करते हैं। और गाइस आप लोग सोचते होंगे कि भाभी जी कैसे सुनती हैं, भाभी जी काम कैसे करती हैं, नहीं दादाजी? तो गाइस अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि भाभी जी कैसे काम करती है। यहाँ देख सकते हैं चावल ली है, इसको क्या कर रही है अभी देखिएगा गाइस, कैसे भाभी बताएंगी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है चावल, क्या हो रहा है उसमें बताइए। तो गाइस अभी फटक रही हैं, भाभी जी हमारी ऐसे काम करती हैं, आप लोग सुनते हो, भाभी जी बोल नहीं पाती हैं, गाइस सुनती नहीं है, बस इशारा से सारा काम कर लेते हैं, नहीं दादाजी? सारी काम। और गाइस देखिए वहाँ पे देखिए मिट्टी ला दी है, और मिट्टी से क्या होगा, क्या होगा मिट्टी से? तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, भाभी जी घर भी लिप देती है और मम्मी जी को अभी तो काम नहीं करना पड़ रहा, फाइनली भी मम्मी जी को बुला के लाते हैं और अभी शाम भी हो रहा है। तो गाइस अभी आ चुका हूँ खेत में, और गाइस आते ही एक सैड न्यूज है। गाइस क्या बताया जाए, जिंदगी में हमारी इतना भी भाग दौड़ कर लो यार, क्या बताएं, हम लोग सबके लिए अच्छा सोचते हैं। और गाइस गर्मी का मौसम है तो मम्मी जी अभी नल को लगा दी थी, और गाइस देखिए नल दोबारा पता न कौन तोड़ दिया। हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा मम्मी? बच्चों क्या बताऊं, एक बार तो नल चुरा ले गया, आज दूसरा बार तो मैं नल लगवाई तो देखो ये ईंट से मार कर कोई लड़का फोड़ दिया, तोड़ दिया, ये देखो। देख सकते हैं गाइस एकदम, कोई लग रहा मम्मी ने कोई कस के नल चलाया होगा, चाहे कोई तोड़ दिया होगा। तो गाइस आप लोग जान रहे हैं कितना गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में कुछ ना कुछ नेकी काम करने के लिए किया भी जाता है तो लोग ऐसे कर देते हैं यार। मान लीजिए नल लगा है तो सब लोग पानी पी सकते हैं, देख सकते हैं बगल में रोड भी है, इस रोड रास्ते लोग जाते भी हैं, जिसको भी प्यास लगता है आकर पानी भी पीते हैं, नहीं मम्मी जी? लेकिन गाइस कुछ लोग ऐसे हैं ना, उन लोग के ऊपर कुछ करना ही होगा। गाइस क्या बताएं, आप लोग सोचते हो यार दीपू भाई झूठ बोलता है, गाइस देख सकते हैं आप लोग, कोई झूठ बोलेगा अपना नल तोड़ के तो झूठ तो बोलेगा नहीं। बच्चों कोई नल तोड़ कर तो झूठ नहीं बोलेगा, हम तो इसलिए कहते हैं कि ये रोड है, बच्चे सब पानी पीते हैं, प्यासे आदमी आते हैं तो पानी पीते हैं, ये बारम्बार एक बार तो चुरा ले गया, दूसरा बेर देखो नल तो तोड़ दिया। गाइस ऐसा बात नहीं है यार, मम्मी जी बार बार परेशान होती है, रोती है तो अच्छा नहीं लगता यार, जो भी ऐसा कर रहे भाई ऐसा मत करिए, नहीं तो आपके ऊपर कुछ न कुछ करना ही होगा। पिछले बार छोड़ दिया हम लोग तो ऐसा नहीं होगा। भैंस वगैरह के लिए चारा लगा, इसमें पानी चलने के लिए नल को यूज किया जाता है, लेकिन पानी भी नहीं चल पाता, नहीं मम्मी जी? देखो हम तो नल से पानी चला कर बजड़ा भैंस के चारा बोई है, ये तो प्याज देखो लगाई है। तो भाई साहब अभी घर पे आ चुका हूँ और गर्मी बहुत ज्यादा है, और गाइस नल टूट गया तो अच्छा नहीं लग रहा यार, पता न लोग ऐसा क्यों कर रहा। तो गाइस इस ब्लॉग को एंड करते हैं, बाकी आप लोग सजेस्ट कीजिएगा मुझे क्या करना चाहिए, इस बार रिएक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए उसके ऊपर जो तोड़ रहा, उसको हम लोग पता भी लगा चुके हैं गाइस, कल बताएंगे आप लोग को कैसे क्या हो रहा। बाकी गाइस इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और आप लोग इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किए दिख रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी दीपू चौधरी, आप फॉलो कर लीजिएगा। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, लव यू।